नमस्कार, इटिनो स्वदेश पर आपका स्वागत है। कल की तैयारी में मैं हूं मनीष मेनुगिरी, और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में लास्ट के एक डेढ़ घंटे में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और बाजार जो है दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब हुआ। बाजार का पूरा लेखा जोखा बताएंगे, लेकिन उससे पहले शो के बारे में बता देते हैं। इस शो में चाहें तो इसमें हम दर्शकों के सवाल भी जवाब देते हैं, दर्शकों के सवाल लेते हैं और हमारे जो जानकार हैं उन तमाम शेयरों पर जानकार आपको जो है जानकारी देते हैं, आपकी मदद करते हैं कौन शो में क्या करना चाहिए। आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, उस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पर खरीदा, ये तमाम जानकारी आपको भेजनी होगी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे जो है इटिनो स्वदेश को फॉलो कीजिए, KKT लिखिए यानी कल की तैयारी स्पेस दीजिए और फिर अपना सवाल भेज दीजिए। फिर हमारे जानकार जो है आपको मदद करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है तो उसमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसे रखे, बेच दे, उसमें प्रॉफिट बुक करे, अगर नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और अगले आधे घंटे में हमारे जानकार जो है आपको दो VIP स्टॉक्स भी बताएंगे जिसमें कि आप निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो दो जानकार जुड़ेंगे, निमेश ठक्कर होंगे, इसके अलावा राहुल घोष जुड़ेंगे, इन दोनों से हम समझेंगे कि आज बाजार के में जो तेजी आई है उसको कैसे देखा जाए और कौन से शेयर ऐसे शेयर हैं जो जिन पर उनकी नज़र है। लेकिन आज देखिए बाजार में हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। निफ्टी जो है लास्ट के एक डेढ़ घंटे में हमने देखा एक अच्छी मजबूती दिखाते हुए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब हुआ। निचले स्तरों से कह सकते हैं कि आज निफ्टी में करीब 156 अंकों की रिकवरी देखने को मिली। अगर क्लोजिंग भाव के हिसाब से आप देखें तो एक समय 18,660 के आसपास निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा था, वहां से हमने एक शार्प रिकवरी देखी और फिर देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ये बंद होता हुआ दिखा। कल जो गिरावट थी आज कहीं ना कहीं वो तमाम गिरावट से उबरने की कोशिश करता हुआ दिखा बाजार, और काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि कल की गिरावट से उबर चुका है। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि आज जो है एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कल अगर बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में गिरावट थी तो आज हम देख रहे हैं कि दोनों निफ्टी या बैंक निफ्टी की तेजी को देखिए दोनों में बराबर तेजी देखने को मिली, और इस वजह से हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कौन से ऐसे शेयर थे जो आज बाजार में मजबूती दे रहे थे निफ्टी को संभालते हुए दिखे, तो टाटा मोटर्स देखिए काफ़ी दिनों के बाद एक बार अच्छी मजबूती देखने को मिली, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ टाटा मोटर्स। इसके अलावा SCLTech IT सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक देखिए, कई IT स्टॉक्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन SCLTech ऐसा शेयर है जो एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, लगातार शेयर बाजार में खरीदारी का ट्रेंड देखा है। इसके अलावा पावर ग्रिड, HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। अगर कुछ गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो कल आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस, इसी शो में मैं चर्चा कर रहा था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व कल गिरते हुए बाजार में मजबूत थे, आज तेजी वाले बाजार में दोनों शेयर जो है कमजोर होते हुए दिखे। कह सकते कमजोर भी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि इन दोनों शेयर में हमने देखा है कि बीते एक डेढ़ महीने में देखिए निचले स्तर से एक अच्छी रैली देखने को मिली है। इसके अलावा सन फार्मा और महिंद्रा में भी आज के ट्रेड में हमने जो है थोड़ा दबाव बनते हुए दिखा। अब बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स देखे जिसमें खरीदारी देखने को मिली। आज बैंकिंग शेयर में देखिए 12 शेयरों के इंडेक्स में जो है 8 शेयर ऐसे थे जहां मजबूती थी, 4 ऐसे शेयर थे गिरावट, यानी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कल जो था उसको बिल्कुल उलटता हुआ दिखा और आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहा था। IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक जैसे स्टॉक थे जहां मजबूती देखने को मिली। बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और SBI जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव नहीं था, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी और उसके दम पे ही हमने देखा कि निफ्टी बैंक में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जहां पे इंडेक्स देखिए आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं ऑटो, IT, मेटल, रियल्टी जैसे स्टॉक्स इंडेक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। एक कह सकते हैं कि फार्मा इंडेक्स था जो थोड़ा कमजोर होता हुआ दिखा, वो भी कह सकते हैं कि फ्लैट टू नेगेटिव था। लेकिन कमोबेश आज चौथरफा खरीदारी का रुझान देखने को मिला, और अगर आप 52 हाई स्टॉक्स और आज के हीरो शेयर को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं वापस से जो है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का मजबूत रुझान बना हुआ है। कमिंग्स, EIL की चर्चा मैंने कल भी कही थी कि नज़र बना के रखिए, आज शेयर में देखिए फिर से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा एक साइड SCLTech के, इन तमाम शेयर है जो आज के बाजार में एक साल के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहे थे। जय भारत मारुति ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती है। पिछला प्लेट दिखाइए, अब जय भारत मारुति जैसे स्टॉक्स थे आज के ट्रेड में जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली।
ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखिए आज सुब्रोस पे एक पॉजिटिव खबर आई, उस खबर का असर यह देखने को मिला कि पूरे ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली। आगे मैं कई सारे और स्टॉक्स आपको बताऊंगा, जय भारत भारत मारुति ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स, JBM ऑटो जैसे स्टॉक्स में मजबूती थी, इसके अलावा रिको ऑटो जैसे स्टॉक्स में मजबूती दिखाए थे, एक साल के ऊपर स्तर पर बंद हुए, जिंदल ड्रिलिंग, KPR मिल्स जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी थी, LG बालाकृष्ण एक और ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स जो एक साल के ऊपर स्तर पर कारोबार करते हुए दिखते, मझगांव डॉक, मिस धातु और रिको ऑटो। तो कहीं ना कहीं आज जो है सुब्रोस को लेकर खबर, सुब्रोस को लेकर नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यह बयान आया कि वो जल्द से जल्द इस पर काम कर रहे हैं कि जितने ट्रक्स हैं उसमें जो है AC की सुविधा दी जाए, AC निश्चित रूप से हो। और वही वजह है कि हमने देखा सुब्रोस मजबूती देखने को मिली। सुब्रोस एक वो कंपनी है जो ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर जुड़ी, जो गाड़ियों में AC की सुविधा देती है, उस सेगमेंट में काम करती है। और उस खबर का सब पूरे समान तौर पर ट्रेंड देखने को मिलता है कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखिए एक या दो शेयर में तेजी आएगी, नतीजा ये होता है कि बाकी ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिलती है। अब बीते कई सत्रों से हमने देखा है कि अच्छी मजबूती तमाम ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में देखने को मिला। आज के हीरो देखिए, पिछला प्लेट फिर से दिखाइए, सुब्रोस, ऑल कंट्री ट्यूलर, फैक्ट जैसे स्टॉक्स थे जहां पे मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा HDFC AMC में देखिए हमने एक अच्छी खरीदारी देखी, ये भी जो है आज के करीब 11-12% की मजबूती देखने को मिली हैवी वेट स्टॉक्स में। इसके अलावा देखिए शिल्पा मेडिकेयर, सारेगामा जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी थी, थायरो केयर, गोकुलदास स्पोर्ट जैसे स्टॉक थे जहां खरीदारी देखने को मिली। तो अगर आज के हीरो और आज के 52 हाई स्टॉक्स को देखें तो ये ट्रेंड है कि बाजार में मजबूती है, खासतौर पर छोटे मझोले स्टॉक्स में जिस तरह से खरीदारी देखने को मिली वो संकेत दिखा रहा है कि बाजार कमजोर नहीं है। बाजार अगर एक कदम पीछे आ रहा है तो ये मान के चलिए कि वो दो नहीं तीन कदम आगे बढ़ रहा है। और हो सकता है कि जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिला कल वापस से हम जो है पर फिर से रिकॉर्ड हाई को छूने की कोशिश करें, क्योंकि एक दिन पहले जो है रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब जाके हमने छू पाए तो वहां से आ गए थे। अब हमारे जानकारों से बात करने का समय आ चुका है, निमेश ठक्कर और राहुल घोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो निमेश ठाकर है जो उनसे हम समझते हैं कि बाजार में यहाँ से और कितनी मजबूती, निमेश ठाकर से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से और कितनी मजबूती देखने को मिल सकती है। राहुल घोष भी जुड़ चुके हैं। निमेश, जिस तरीके से हमने देखा कि क्या इस बात को माने कि बाजार एक कदम पीछे आ रहा है तीन कदम आगे बढ़ने को, तो कल जो है रिकॉर्ड बनता हुआ दिख सकता है? वेरी गुड इवनिंग। देखिए बाजार के अंदर स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली उसके अंदर हम लोग कोई ना नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह से आज का मार्केट आप देखिए सुबह में जिस तरह से मार्केट में एक अच्छा करेक्शन था और वहां से एक प्लस में जितना भी करेक्ट था वो रिकवर होके उतना ही प्लस आ गया, तो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, सेक्टर रोटेशन हो रहे हैं। आज आपने देखा कि मेटल और IT सेक्टर जो है वो काफी आउट परफॉर्म कर रहे थे, ऑटो भी साथ में आया और बैंकिंग में भी कल हमने देखा था कि काफी करेक्शन आ चुका है, आज भी एक अच्छी रिकवरी बैंकिंग स्टॉक के अंदर भी हमने देखी, तो एक सेक्टर रोटेशन हो रहा है और ये लेवल पे मार्केट सस्टेन हो रहा है, बड़ी बात ये है। और अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो रफली अराउंड निफ्टी करंटली 22 के पीक मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, जहां और भी आने वाले रिजल्ट के अंदर और अगर मानसून अच्छा रहा तो डेफिनेटली यहां पर एक्सपांशन के चांसेस दिख रहे हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आ गया है, इन्फ्लेशन का अभी कंसर्न्स है नहीं और आने वाले दिनों में रेट साइकिल टॉप अप हो गया है और यहां से रेट कट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी पोजीशन आ गई है, तो मुझे लग रहा है कि सेंटीमेंट डेफिनेटली मार्केट को एक पॉजिटिव साइड ले जाएगा और आने वाले दिनों में हम लोग निफ्टी के अंदर एक नया हाई, आइदर वो कल बनाए या परसों बनाए वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट डेफिनेटली मार्केट एक नया हाई बनेगा, वो एक मोमेंटम की तरफ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं निवेश साहब की, अब यह मैटर नहीं कहता कि बाजार कब नया है बना रहा है, लेकिन एक बार बन जाए तो अच्छा, स्क्रीन में दिख जाए तो बेहतर है। और लगातार जिस तरह से बाजार मजबूती दिखा रहा है, बस ये दिन की बात है, कह सकते हैं आज हो या कल हो, आज तो बंद हो चुका है, कल हो परसों, मतलब अगले एक दो दिनों में हो सकता है कि बाजार जो नया है बनाए। राहुल, लगातार आप मजबूती में थे, आप ये कह रहे थे कि हाँ हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए और हमने भी देखा कल गिरावट के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, आपको लगता है कि मोमेंटम अभी जारी रहेगा? और अभी तो किस देखिए किस तरह से जो है निफ्टी जो है लीड कर रहा है पूरी तेजी को, बैंक निफ्टी पहले लीड कर रहा था, अब निफ्टी वापस से फ्रंट फुट पे आ चुका है, बैंक निफ्टी में भी वापस से तेजी आएगी, 44,000 के ऊपर आता हुआ दिखेगा आपको ये? नमस्ते और गुड इवनिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट टाइम भी मैंने जो लेवल्स दिया था वो लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। जब तक 18,400 नहीं ब्रेक होता है, पहले निफ्टी की बात करते हैं, तब तक हर डिप को बाय किया जा सकता है। 18,400 इज द लेवल टू वॉच आउट फॉर निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर बनाया था जिसका ब्रेकडाउन हुआ और अभी बैंक निफ्टी का अगर अप ट्रेंड शुरू होना है तो वो हो सकता है 44,200 के बाद ही,
तो जब तक 44,200 का लेवल टेकआउट नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज और थोड़ा प्रेशर में ही रहेगा। अगर 44,200 टेकआउट कर देता है बैंक निफ्टी तो एक अच्छा मोमेंटम दिखेगा अपसाइड में, विच कैन टेक बैंक निफ्टी 45,000 के टूवर्ड्स। तो सबसे जरूरी लेवल है 44,200 नोटिस करने के लिए। ऑल्सो कॉन्स्टेंटली आप नोटिस करेंगे कॉल राइटर्स बनते जा रहे हैं 44,000 पे, बनते जा रहे हैं 44,000 के। अगर आप जुलाई एक्सपायरी में भी देखेंगे तो 44,000 का हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं। तो ये कॉल राइटर्स जब तक अपना पोजिशन स्ट्रैडल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, पुट राइटर्स बढ़ नहीं जाते हैं, और ये 44,200 टेकआउट नहीं होता है, अगर 44,200 टेकआउट हो जाता है तो पुट राइटर्स भी आ जाएंगे, तब तक हम बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे। तौर पे 44,200 के ऊपर करता है बैंक निफ्टी, तो एक अच्छी मजबूती वहां से फिर देखने को मिलेगी। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल आया है पीयूष खन्ना जी ने बरेली से भेजा है, पनामा पेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 289 रुपये के भाव पे, निवेश क्या रहा होगी? एक ऐसा शेयर है जो लगातार हमने देखा है कि गिरावट देखने को मिली है, इनको हल्का प्रॉफिट हो रहा है, क्या इसमें से निकल के किसी और में स्विच कर जाना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले दिनों में रहा है, एक साइडवे रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह से मार्केट के अंदर हम लोग एक मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक रैली देख रहे हैं, यहाँ से परफॉर्मेंस के चांसेस इंप्रूव होने की ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि कई टाइम से स्टॉक ये रेंज के अंदर अराउंड 270 से 260 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से बाउंस करता है, तो आई थिंक 255 का स्टॉप लॉस से उसको होल्ड करना चाहिए और करीब 330-350 के आसपास आए वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने का प्लान करना चाहिए। तो फिलहाल मैं उसको होल्ड करने की सलाह देता हूँ, 255 के स्टॉप लॉस अचूक फॉलो करें। अभी होल्ड करके चलिए। करण वर्मा जी ने लखीमपुर खीरी से सवाल पूछा है, एनसीसी के बारे में जानना चाहते हैं। 1,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 107 रुपये के भाव पे, एनसीसी में हमने देखा है कि लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, जिस तरीके से राहुल खासतौर पे आप देखिए कि इस शेयर में जो है 70-72 के जोन से खरीदारी हुई, लगातार एक अच्छी मजबूती, क्या राय होगी एनसीसी पे आपकी? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए एनसीसी, अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है एनसीसी में, एक हाली में डिमांड जोन है 115 से लेके 105 से 105 तक, और ये जो डिमांड जोन है ये 20 डे EMA के साथ कोइंसाइड भी करता है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। ये करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग में एग्जिट नहीं करना चाहिए, अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो भी हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक डिमांड जोन है। और आप मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ रहा है, तो जैसे जैसे अप ट्रेंड स्ट्रांग होता जाता है और एक कंसोलिडेशन आता है, ये मोमेंटम इंडिकेटर्स छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट पे ओवरसोल्ड की तरफ चले जाते हैं और वो एक अच्छा टाइम हो जाता है एंट्री के लिए, तो होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश लॉन्ग लेना चाहते हैं 115 से 105 फ्रेश लॉन्ग भी ले सकते हैं स्टॉक में। आते हुए एनसीसी पे आप इस शेयर को होल्ड करके चले, चाहे तो आप थोड़ा नीचे आते हो तो नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। विक्रांत जी ने ग्रेटर नोएडा से सवाल भेजा है, पेटीएम के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में 645 रुपये के भाव पे इनको मुनाफा हो रहा है, और हमने ये देखा है खासतौर पर बीते 10-12 दिनों का ट्रेंड देखिए, खासतौर पर निवेश इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, अब 1 साल के ऊपरी स्तर पर एक शेयर कारोबार कर रहा है, पहली बात तो ये। दूसरा बात ये कि मैनेजमेंट की तरफ जो कमेंट्री आई है कि आने वाले दिनों में, जो उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम जनरेट हुआ, वापस शेयर में खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्या राय होगी पेटीएम पे आपकी? देखिए, मेरी राय यही रहेगी कि लोअर लेवल पे एंट्री की है और अच्छा मुनाफा मिल रहा है इन शॉर्ट टर्म, तो एक बार जरूर से बुक करना चाहिए। मार्केट में हमने कई बार देखा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री जो आती है वो कई बार मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा हो जाता है, और एज पर कॉमेंट्री अगर नहीं आता है तो स्टॉक में पिटाई भी इतनी ही होती है। तो बेस्ड ऑन ओनली मैनेजमेंट कॉमेंट्री मुझे लग रहा है कि आपको जो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ कहीं ना कहीं एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और रेस्ट क्वांटिटी जो है वो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खड़े रह सकते। ये राय पेटीएम पे आते हुए। अगला जो सवाल है जिंदल 100 पे जो पूछ रहे हैं, इनको जानना चाहते हैं एन ए अग्रवाल जी ने मुंबई से सवाल पूछा है जिंदल 100 के बारे में, 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है 140 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। इस शेयर को देखिए राहुल, अगर कह सकते हैं कि 2023 में एक ऐसा शेयर जिसने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, 2 गुना से ज़्यादा का जो है हमने देखा है इस शेयर में तेजी देखने को मिली है, क्या राय होगी जिंदल 100 पे आपकी? तो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के लिए, और 2 कारण है इसके लिए। पहले तो अगर आप वीकली चार्ट को नोटिस करेंगे तो एक बेरिश फॉर्मेशन बना है
वीकली चार्ट पे बोलिंजर बैंड को लेके। इसका ये मतलब नहीं कि करेक्शन हो सकता है प्राइस से, इसका ये मतलब है कि एक टाइम करेक्शन भी हो सकता है, और अगर टाइम करेक्शन भी होता है तो जो जो इन्वेस्ट किए उनका दे डोंट गेट देयर मनीज वैल्यू। तो मैं तो एग्जिट करने को कहूंगा एटलीस्ट 50% तो डेफिनेटली एग्जिट करने को कहूंगा। और जो शेयर्स अभी मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, जैसे HCL टेक IT में मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, ऑटो सेक्टर मोमेंटम में है, तो उन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं जहां पे उनका अपना समय का बेटर भाव मिलेगा, पैसे का बेटर भाव मिलेगा। आचार्य, कि जो गाड़ी अभी चली नहीं है, चलनी शुरू हुई है प्लेटफॉर्म से, अब उस गाड़ी में बैठने का मौका है। राहुल जी, सॉरी मैंने नहीं सुना, कैन यू रिपीट मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जिस पल जो गाड़ी अभी चली नहीं है प्लेटफॉर्म से, चलना शुरू हुई है, बस अब उसमें जाके बैठने का मौका है, जैसे HCL टेक जैसे शेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो HCL टेक का एक्चुअली ब्रेकआउट आप नोटिस करेंगे चार्ट में, एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, और बहुत टाइम बाद IT जो है एक बेयर मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहा है, और वो भी बहुत सेलेक्टिव नेम्स में। तो जो शेयर इतना चल चुका है, हैंडसम प्रॉफिट बना रहे हैं, जो जेंटलमैन निवेश कर चुके हैं, तो उनको डेफिनेटली 50% तो मेरा सलाह होगा एग्जिट कर देने के लिए, क्योंकि अगर शेयर एक टाइम करेक्शन में 3-4 महीने चला गया तो वो पैसा बेसिकली वेस्ट हो गया उनके पोर्टफोलियो में, इसीलिए मैंने ये सलाह दिया है। कहा भी जाता है कि सिर्फ मुनाफा देखिए मत, मुनाफा कुछ घर लेके आइए, तो जिस तरह से राहुल जी ने कहा कि इसमें से आप मुनाफा बुक कर लीजिए और दूसरे शेयर में स्विच कर सकते हैं, उन्होंने बतौर ऑप्शन HCL टेक दिया, इसके अलावा कुछ VIP स्टॉक्स भी बताएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं, उसमें भी निवेश करके चल सकते हैं। दिशा जैन ने सवाल पूछा आगरा से, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानना चाहती हैं, 7182 शेयर के पोर्टफोलियो में 178 रुपये के भाव पे, इस शेयर में उन्होंने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो हाई इसने बनाया था जनवरी फरवरी के महीने में, वापस से उसके आसपास आ चुका है, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है इस शेयर में निवेश, क्या आप राय देंगे, क्या प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? अगर आप कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं बुक करना है, तो एटलीस्ट इनको एक स्टॉप लॉस बताइए जिससे कि इनका जो मुनाफा है उस वो फिक्स हो जाए, और वो घर तो आ ही है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक प्योर टर्न अराउंड स्टोरी, और जिस तरह से पिछले 2 साल में कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूव किया है वो काबिल तारीफ है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पी अतरे कैपिटल PSU बैंक्स कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा है और क्रेडिट ग्रोथ जो है काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उसको होल्ड करना चाहिए, अभी भी बेस्ट इज येट टू कम। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आई थिंक 155 बोला आपने बाइंग प्राइस, राइट? तो बाइंग प्राइस है 178 है, 178 जी। तो 178 काफी नजीक, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो 178 काफी नजीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 160 रिसेंटली हमने देखा है कि 160 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक ने भी रिकवर किया, तो आई थिंक 155 का स्टॉप लॉस जो है उसको रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 155 का निवेश जी अगर ये 155 का स्टॉपर्स लगते हैं और 178 रुपये का इनका खरीद भाव है, तो ये तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो जाएगा, तो 178 के ऊपर आप कुछ बता सकते हैं स्टॉपलॉस? यस, अगर अगर मुझे लग रहा है कि 250 से 300 रुपए का टारगेट प्राइस अगर उसको सेट करना है, या अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा रखना है, तो डेफिनेटली 155 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अदरवाइज क्या होगा कि एक बार ट्रिगर होके फिर से स्टॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर कंफर्टेबल है तो 155 रख सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो फिर अराउंड 182 के आसपास का है वो स्टॉप लॉस एक रख सकते हैं। एक अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 182 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, लंबी अवधि का नजरिया है तो आप चाहे तो उसको होल्ड कर सकते हैं, अगर लंबी अवधि के हिसाब से 155 का स्टॉप लॉस निवेश जी ने बताया है। ऋषिकेश कुमार जी ने मुंबई से सवाल भेजा है, NBCC के बारे में जानना चाहते हैं, 2500 के पोर्टफोलियो में 53.10 रुपये के भाव पे, ये शेयर एक ऐसा है जो हमने देखा कि लंबी अवधि में हम अगर 2-3 सालों का नजरिया देखें तो बहुत ज़्यादा और परफॉर्म नहीं किया है इस शेयर ने, इनफैक्ट गिरावट ही देखने को मिली, लेकिन बीते अगर 1 महीने का ट्रेंड देखिए राहुल, तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, 32-33 के जोन से करीब 45-46 के जोन तक आया, फिर वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, अब 41 के आसपास कारोबार कर रहा है, क्या राय होगी NBCC पे आपकी? तो NBCC बहुत टाइम से एक लंबा साइडवेज रेंज में चल रहा है, इनफैक्ट मार्च से लेके आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 साल अभी हो गया है एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, तो अभी भी ऐसा कोई ट्रिगर नहीं है जो कह सकता है कि हाँ ये स्टॉक टेक्निकली ऊपर की साइड जाए। ट्रिगर कब आएगा? ट्रिगर आएगा जब ये प्राइस, ये स्टॉक का प्राइस 51.5 या 52 के ऊपर क्लोज होता है, तो 51.5 या 52 के ऊपर ही इसका ट्रिगर आता है जहां से कह सकते हैं कि हाँ मीडियम टर्म में दिस स्टॉक कैन डू वेल। शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस
नहीं, आई वुड सजेस्ट उनको कि वेट करना चाहिए जब तक वो लेवल टेकआउट नहीं होता है। तो ये राय आती है एनबीसीसी पे। हमने कई सारे शेयरों को चर्चा की है, लेकिन वीआईपी स्टॉक्स की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वीआईपी स्टॉक्स वो शेयर्स होते हैं जो हमारे जानकार बताते हैं, और ये ऐसे शेयर होते हैं जिसमें कि उनको भरोसा होता है कि आप इस शेयर को खरीदिए तो लंबा नजरिया रखिए तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। राहुल, वीआईपी स्टॉक्स में कौन सा शेयर बता रहे हैं आप? तो दो शेयर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। पहले तो एचसीएल टेक, जैसे मैंने शो के थोड़े पहले भी कहा था, एचसीएल टेक करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्टॉक पे। स्टॉप लॉस 1129 पे रख सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 1199 और 1235, 1235 का सेकंड टारगेट रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी एक अच्छा हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, मूविंग एवरेजेस से बाउंस होके ये मूव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है स्टॉक में। करंट मार्केट प्राइस पे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 210 और टारगेट होगा 229.5। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज और एचसीएल टेक दोनों लॉन्ग साइड। एक्साइड इंडस्ट्री दोनों में खरीदारी करने की सलाह। एक्साइड में आपको 229.50 रुपये का टारगेट रखना है, 210 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और एचसीएल टेक में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं राहुल, उसमें भी मजबूती देखने को मिल सकती है। और दोनों शेयर देखिए, 1199 का टारगेट होगा, 1129 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा। मैं ऐड कर देता हूँ, ये दोनों शेयर जो हैं आज 52 हाई पे ट्रेड करते हुए दिखे, तो अच्छी मजबूती दिखा रहे दोनों शेयर। निमेश, आपकी तरफ से कौन से दो शेयर होंगे? ठीक है, फार्मा स्टॉक के अंदर हम लोग काफी एक इंट्रेक्शन देख रहे हैं और उसके अंदर डॉक्टर लाल पे थे। मैं पहले भी अपनी ये चैनल पे काफी लोअर लेवल से बाय रिकमेंड कर चुका हूँ और ये लेवल पे भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रेंथ है। जिस तरह से स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है और रोल से रिवर्स हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऊपर में 2510 2470 का टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल पे मैं डॉक्टर लाल पे क्लब की बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 2090 का रहा है। 2670 रुपये का टारगेट साथ खरीदारी के डॉक्टर लाल पे, 2090 रुपये का आपको इसमें स्टॉपलस लगाना होगा। दोनों शेयर में ट्रेडिंग के नज़रिए से बताया गया, नज़रिया थोड़ा लंबा रखा गया ट्रेडिंग का, इसलिए दोनों शेयर में जो है टारगेट भी थोड़े बड़े दिए गए हैं, स्टॉपलस भी थोड़ा नीचे का दिया गया है। तो एचसीएल टेक, एक्साइड और डॉक्टर लाल पैथ, ये तीन शेयर होंगे जो आज वीआईपी स्टॉक्स में होंगे। अब कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, वीआईपी स्टॉक्स की बात हुई, दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन ट्रिगर समझना बेहद जरूरी है कि कल बाजार के लिए कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिसका असर देखने को मिल सकता है कुछ शेयरों पर और बाजार पर भी। ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ अशीषा जुड़ चुकी है। अशीषा, कल के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज की बात करेंगे तो यूके से सीपीआई यानी इन्फ्लेशन का डेटा आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यूके मार्केट पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद डोमेस्टिक क्यूज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स में रहेंगे, जिसके चलते डिफेंस स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। याद रखें, डिफेंस टाइज की बातचीत होगी इंडिया और यूएस काउंटर पार्ट्स के बीच, जिसके चलते डिफेंस स्टॉक्स पर कल फोकस रहेगा। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कुछ काउंटर्स में कल लॉक इन पीरियड खत्म होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले डेटा पैटर्न्स, जहां 20% शेयर होल्डिंग फ्री होल्ड हो जाएंगे, जिसका मतलब ये होता है कि ये शेयर होल्डर्स अब मार्केट में शेयर्स बेच सकते हैं। इसके अलावा लैंडमार्क कार्ड्स में भी 52% शेयर होल्डिंग लॉकआउट से बाहर हो जाएगा। एजीएम की बात करें तो कल साइंट, सोलार इंडस्ट्रीज और सुप्रीम इंडस्ट्रीज की एजीएम है, जिसके चलते कुछ टेक अवेज आएंगे और इन स्टॉक्स पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो पॉलीकैब कल एक्स डिविडेंड हो जाएगा, इंडिया मार्ट एक्स बोनस हो जाएगा। याद रखें, 1:1 का बोनस इश्यू था और वो अब एक्स बोनस कल से ट्रेड करेगा। टाटा एलेक्सी और टाटा स्टील का लास्ट डे रहेगा शेयर्स खरीदने के लिए, डिविडेंड के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके अलावा कल इंटरनेशनल योगा डे है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं और वहाँ पर यूएन यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे, जिसके चलते भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सेसा ये तमाम जानकारी बताने के लिए। और कल दिन भर जो है आप योगा डे पे जो है इटनो स्वदेश पे विशेष कवरेज देख सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, चूँकि सवाल बड़ा दिलचस्प है राहुल, आपसे मैं लूँगा। टाइटन के 750 शेयर है विकास जी के पास और उनका भाव जो है वो दिलचस्प है, 53 रुपये के भाव पे उन्होंने लिया है। इससे सीधे तौर पे लग रहा है कि बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं। अगर रिटर्न वाइज इसको कैलकुलेट किया जाए अभी के भाव से, तो करीब 5000% से ज़्यादा का रिटर्न को इन शेयर में मिला है। क्या राय होगी राहुल,
और ये बताता है कि कोई शेयर अच्छा शेयर खरीदी और लंबी अवधि तक आप होल्ड कीजिए तो आपके आपका मुनाफा आपका रिटर्न जो है कई गुना हो सकता है। तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इतना लंबी अवधि के लिए इतने अच्छे स्टॉक को होल्ड करके रखें, बिकॉज टाइटन सबको पता है हैज बीन अ ब्यूटीफुल वेल्थ जनरेटर। तो जब इतना छोटे प्राइस में से है और स्टॉक अच्छा है, स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है, मंथली चार्ट या हायर टाइम फ्रेम्स क्वार्टरली चार्ट भी देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है चार्ट पे जिसके कि एक अच्छा सा करेक्शन आए कि थोड़ा सा एग्जिट करना है, तो बिल्कुल उनको होल्ड करके रखना चाहिए। एक रेंज में उनको बता देता हूँ ताकि उनको मदद करेगा। There is a range between 2650 or 2400. तो 2650 और 2400 के बीच में एक larger time frame पे एक बहुत बेहतरीन buy level है। तो 2400 के नीचे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 2400 टूटेगा चार्ट पे, पर 2400 के नीचे अगर उनको मिल जाता है प्राइस की, अगर प्राइस उसको ब्रेक कर देता है तब उनको एग्जिट कर देना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वो प्राइस जो इतना दूर है अभी भी आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और उनको इन्वेस्टेड बिल्कुल रहना चाहिए। एक खरीद भाव जो है ना करीब 13 साल पहले का 2010 के आसपास ये भाव था 53 रुपये का और इन्होंने बहुत लंबी अवधि तक होल्ड किया है, इनको भी होल्ड करना चाहिए शेयर में, क्योंकि ये शेयर में कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं, लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। राहुल और रिमेश आपका शुक्रिया बीटनो स्वदेश को समय देने के लिए, कल की तैयारी में कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, कई शेयरों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।